सीएस को रिकवर कैसे करें। सबसे पहला हम देखेंगे एमआर प्रेशर 7.5 केजी सेम स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। यदि इससे कम है तो एमआर प्रेशर कम होने के कारणों को तलाशें और उनकी ट्रबल शूट को शूट करें। आप पीसीएस नॉकआउट की ओर ध्यान ना दें तो सबसे पहले आप एमआर का प्रेशर 7.5 केजी सेम स्क्वायर से अधिक होना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपका एमआर प्रेशर पूरा है तो पीसीएस नॉकआउट होने पर उसे रिकवर करने के लिए फॉल्ट मैसेज के अनुसार A9 हैंडल को 10 सेकंड फुल सर्विस में या 60 सेकंड इमरजेंसी पोजीशन पर रखेंगे। आपको जैसा मैसेज मिलता है उसके अनुसार आप A9 हैंडल को रखेंगे, या तो फुल सर्विस से 10 सेकंड के लिए मांगेगा या फिर 60 सेकंड के लिए इमरजेंसी पोजीशन में। तो आप से जिस फॉल्ट मैसेज में रिकवर करने के लिए जो संदेश मिलता है, जो मैसेज मिलता है उसके अनुसार या तो 10 सेकंड फुल सर्विस या 60 सेकंड इमरजेंसी पोजीशन पर रखना है, उसके बाद रिलीज करना है, रन पे लाना है जैसा आपको कंप्यूटर मैसेज करता है। अगला, यदि उसके बाद में भी पीसीएस नॉकआउट रहता है, रिकवर नहीं होता है, तो कंट्रोल स्टैंड को बदल कर देखें। कंट्रोल स्टैंड को बदलते समय आप ध्यान रखें, पूरे नियमों को फॉलो करें। कंट्रोल स्टैंड बदलने के संबंध में इस प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी देख सकते हैं आप। दूसरे कंट्रोल स्टैंड से कार्य करके देखें एक बार पीसीएस नॉकआउट रिकवर होता है या नहीं। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप अंडर ट्रैक में हवा का लीकेज चेक करें। लीकेज होने पर लीकेज को बंद करें तो आपका पीसीएस नॉकआउट है वो रिकवर हो जाएगा। यदि एयर फ्लो मीटर फ्लो रीडिंग दर्शा रहा है तो ट्रेन पाइप में बीपी प्रेशर का लीकेज को चेक करें। यदि ऐसा हो रहा है कि आपका एयर फ्लो इंडिकेटर उठा हुआ है, यदि एयर फ्लो इंडिकेटर फ्लो का मीटर रीडिंग दर्शा रहा है तो आप ये अपने लोड में कमी है उसमें जाके चेक करवाएं कि उसमें लीकेज है। लीकेज है तो नॉर्मली आपका पीसीएस नॉकआउट रहेगा, तो आप लोड के लीकेज को बंद करवाइए, उसके बाद में पीसीएस नॉकआउट रिकवर करेंगे। उसके बाद में भी नहीं होता है तो हमें अगली प्रक्रिया करनी होगी, माइक्रो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करना है। कैसे रिसाइकिल करना है इसके संबंध में आप रिसाइकिल सर्किट ब्रेकर वीडियो में देख सकते हैं। इसमें माइक्रो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करना है। यदि आपका पीसीएस पिछले कारणों से रिकवर नहीं होता, नॉकआउट में ही बना रहता है, तो माइक्रो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करना है। सर्किट ब्रेकर रिसाइकिल करने के बाद में भी यदि पीसीएस नॉकआउट रहता है, नहीं रिसेट नहीं होता है, तो एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करना है। उसके बाद में एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करना है। एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट की सभी वीडियो बना के इस प्ले लिस्ट में डाली हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद हैं पहले से ही। वर्जन 1.5 वर्जन 2 दोनों के एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट के वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करना है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका पीसीएस नॉकआउट बना हुआ है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। एयरबैग सेल्फ टेस्ट बार बार फेल होने पर लोको शट डाउन करें और सभी प्रेशर ड्रेन करके दोबारा इंजन को स्टार्ट करें। लेकिन इसमें आप खास सावधानी ये बरतें कि पहले रिपेयर बुक को पढ़ लें, पीछे से ऐसी कोई रिपेयर तो नहीं है जिसके कारण लोको को बंद कर दें, इंजन को बंद कर दें और वो दोबारा स्टार्ट ही ना हो। यदि स्टार्ट ना हुआ तो ट्रबल शूट तो दूर छोड़िए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो बेकार है, फेल हो जाएगा पावर वहीं पर, और भी कोई ट्रबल शूट नहीं कर पाएगा। यदि आप नहीं कर पाए तो कोई फिर कर भी नहीं पाएगा जब इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इंजन को बंद करने से पहले ये देख लें कि पावर दोबारा स्टार्ट होगा या नहीं, बैटरी से ठीक ठाक चार्ज है या नहीं, जो भी, और कोई रिपेयर बुक में ऐसी रिपेयर बुक तो दर्ज नहीं है जिसके कारण लोगों को स्टार्ट करने में परेशानी आई हो। यदि नहीं है तो एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट बार बार फेल हो रहा था, आप लोगों को शट डाउन कर दीजिए, सारे प्रेशर ड्रेन कर दीजिए, उसके बाद लोगों को स्टार्ट करिए। ये सारे तरीके थे पीसीएस नॉकआउट होने पर पीसीएस रिकवर कैसे करें के संबंध में। दोस्तों, एक मेरा अनुभव है खुद का, जो वर्किंग अनुभव है उससे बताता हूँ। यदि इनसे भी नहीं होता तो एक बार आप थ्रोटल को डायनेमिक ब्रेकिंग पोजीशन में लाइए और ये प्रक्रिया आप 3-4 बार दोहरा सकते हैं। इससे भी पीसीएस कई बार नॉकआउट होने के बाद में भी वो रिसेट हो जाता है। और दोस्तों, एक किसका अनऑफिशियल, ये सारे थे ऑफिशियल तरीके, अनऑफिशियल